हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेसिलास किचन। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग से स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर कर रही हूँ। मीशो से ना मैं लॉन्ग स्कर्ट मंगाई थी, वो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। आप लोग को मंगाना रहेगा तो आप लोग मंगा सकते हो, इसके लिए मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। पहन के भी दिखाएगी, एक बार मैं पहन के भी बाहर भी गई थी, तो पहना हुआ भी मैं आप लोग को दिखा देगी। तो फ्रेंड्स, अच्छा है फ्रेंड्स, ऐसा इतना कलर नहीं है, ये थोड़ा सा कलर ज़्यादा दिख रहा है इसमें वीडियो में, बट थोड़ा डल है कलर, बट अच्छा है फ्रेंड्स, कंफर्टेबल भी है। देखिए अस्तर भी है, नी तक अस्तर भी है, अच्छा है। तो मुझे तो अच्छा लगा, सस्ता में भी है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 296 का है, 300 का अंदर ही है, तो अच्छा लगा। देखिए मैं आप लोग को पहन के दिखा रही हूँ। ये तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए मैं टॉप को इन की हूँ, क्योंकि कोई स्लिम ट्रिम रहते हैं ना वो लोग तो ऐसे पहन सकते हैं, बट मैं तो अभी ओनली फिट हुई हूँ, स्लिम ट्रिम नहीं हुई हूँ, इसके लिए मैं ऐसे पहनी हूँ। देखिए मुझे तो यही कंफर्टेबल है, ऊपर से मैं टॉप डालेगी तो अच्छा है फ्रेंड्स, कंफर्टेबल भी है। आप लोग को देखिए चल के भी दिखा रही हूँ मैं, अच्छा लगता है फ्रेंड्स। वजन कम करने के बाद कपड़ा पहनने का मज़ा ही अलग होता है फ्रेंड्स। वेट लूज के बाद ये सब पहनने का मन कर रहा है मुझे, तो मैं मंगा दिया। मुझे अच्छा भी लगा, अच्छा भी प्रोडक्ट मिला है मुझे, क्योंकि मैं रिव्यू पहला देखती हूँ कितना जन मंगाया है, कितना रिव्यू अच्छा है करके। अच्छा रिव्यू था, बहुत जन मंगाया हुआ था, तो मैंने मंगा लिया। अच्छा आएगा तो रखेगी, नहीं तो कुछ डिफ़ॉल्ट आएगा तो रिटर्न करेगी करके, बट अच्छा मिला मुझे। चलिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह देखिए मैं घर के अंदर ही वॉक कर रही हूँ, हाफ एन आवर घर के अंदर ही वॉक कर दिया मैंने। उसके बाद थोड़ी बहुत मैं एक्सरसाइज भी की हूँ फ्रेंड्स, ओनली मैं 15 मिनट्स का ही एक्सरसाइज की हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, और जंपिंग वाला कुछ नहीं की हूँ, हल्का फुल्का एक्सरसाइज ही की हूँ। ऐसे तो मैं आज गई थी नीचे वॉकिंग करने के लिए, बट नीचे गई तो देखती हूँ बारिश आने लगा, तो मैं ऊपर आ गई फ्रेंड्स। ऊपर आई तो देखती हूँ बारिश ही रुक गया, ज़्यादा बारिश ही नहीं आया, थोड़ी देर के लिए थोड़ा ड्रिजलिंग हुआ था। मुझे ऐसा लगा जोर से बारिश आएगा करके मैं ऊपर ही आ गई, तो ऊपर आई तो देखती तो बारिश ही रुक गया फ्रेंड्स। बाद में अंदर ही घर के अंदर ही मैं वॉक कर दिया। ये सब चीज़ों का आदत हो जाता है ना फ्रेंड्स, वॉकिंग एक्सरसाइज ये सब, तो बाद में नहीं करेगा तो भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। एटलीस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स का तो कुछ ना कुछ करेगा तो ही मन को थोड़ा शांति मिलता है फ्रेंड। ऐसे तो मैं शाम को 1 आवर का या वॉकिंग नहीं करेगा तो एक्सरसाइज तो कर लेती हूँ, बट सुबह कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत करेगा तो और भी अच्छा लगता है। एक्चुअली सुबह 1 आवर का एक्सरसाइज करेगा तो अच्छा है, बट मैं एक्सरसाइज से ज़्यादा वॉक कर लेती हूँ, तो बाद में एक्सरसाइज कम कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मेरा वॉकिंग भी हो गया, एक्सरसाइज भी हो गया। आज तो खाना कुछ इतना बनाना नहीं था मुझे, क्योंकि कल का ही चिकन बना हुआ था, ओनली मुझे ड्रमस्टिक का पत्ता भाजी बनाना था और चावल बनाना था दोपहर के लिए, लंच के लिए, तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। तो मैं अभी वही तैयारी कर रही हूँ, पहला पानी पी लेगी फ्रेंड्स। मैं कल एक अचार बनाई थी फ्रेंड्स, मैं गांव से वो लेके आई थी, उसको क्या बोलते पता नहीं फ्रेंड्स, इधर तो मैं कभी देखी नहीं। वो कैसे मतलब है, वो मौसम्बी रहता है ना, मौसम्बी का जैसा ही रहते, उतना ही बड़ा रहते वो, सेम मौसम्बी जैसा, बट मौसम्बी कैसा स्वीट रहता है ना, फ्रूट है ना, नींबू का जैसा ना, थोड़ा खट्टा रहता है फ्रेंड्स। वो अचार के लिए यूज़ करते, उसको छोटा छोटा कट करके नमक डाल के ना धूप में सुखा देने का, अच्छे से सूखने के बाद डब्बा में भर के रख देने का, कभी चाहिए तभी आप थोड़ा थोड़ा निकाल के ना उसका अचार बनाने का। वो ब्लैक कलर हो रहते हैं, वो ग्रीन कलर का सेम मौसमी जैसा ही है, बट वो सुखाने के बाद ना ब्लैक हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसके लिए वो मेरा अचार भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा था आप लोग को। बहुत ही ज़्यादा खट्टा रहते तो उसमें गुड़ भी ज़्यादा यूज़ होते, गुड़ भी ज़्यादा डाली थी मैं, खट्टा मिट्टा तिक्का ऐसा बना के रख देने का, तो मैं बना के रख दिया। मेरा वेट लॉस जर्नी शुरू किया ना फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अचार खाना भी बंद की थी फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर का अचार तो मैं ज़्यादा लाती भी नहीं थी और खाती भी नहीं थी। ऐसा एक बार मैं लेके आई थी पतंजलि से ना, आंवला का अचार लेके आई थी, अच्छा रहेगा करके सोची थी, बट उसमें ना नमक इतना ज़्यादा है ना, तो नहीं खाती थी मैं, नहीं खा पाती हूँ अभी भी है, बट मेरे हस्बैंड कभी कभार खा लेते। मैंने सोचा पतंजलि का रहेगा तो नमक वगैरह थोड़ा कम रहेगा, बट नमक ज़्यादा है उसमें, तो नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स। ऐसे तो बाहर का अचार ज़्यादा लाती भी नहीं हूँ, खाती भी नहीं हूँ। अभी मैं थोड़ी घर पे बनाई तो मैं थोड़ी बहुत खा लेगी, और मैं पहला मिर्ची भी बहुत खाती थी फ्रेंड्स, हरी मिर्ची है ना, वो खाना खाने के टाइम चावल के साथ खाने का, दोपहर को भी खाती थी और मैं रात को भी चावल ही खाती थी ना, तभी भी हरी मिर्ची बहुत खाती थी फ्रेंड्स। वो सब मैंने बंद कर दिया फ्रेंड्स, अभी नहीं खाती हूँ। कभी वेट लॉस जर्नी शुरू किया ना उसके बाद बहुत कुछ खाने भी लगी हूँ, और बहुत कुछ अनहेल्दी खाती थी, वो सब मैं बंद भी की हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी तो मैं कितना हेल्दी खाने के लिए हो पाते उतना हेल्दी खाने के लिए कोशिश करती हूँ। आज का मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, सत्तू और बेसन डाल के मैं अभी चीला बना रही हूँ। तो देखिए बेसन थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेगी, सत्तू 1-2 से 3 टीस्पून उतना मैंने सत्तू पाउडर यूज़ की हूँ। हल्दी, नमक, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और थोड़ा सा चाट मसाला उतना ही डाली हूँ। तो हरी मिर्ची को मैं कूट के डालती हूँ फ्रेंड्स, कूट के डालते हैं इतना और टेस्ट आता है फ्रेंड्स उसका, कट करके नहीं डालती हूँ मैं। बैटर बना के साइड में रख देगी फ्रेंड्स, बाद में खाने के टाइम ही गरम गरम बनाएगी। वो बना के रखेगा तो इतना अच्छा नहीं लगता है ना, चीला तो बनाने का और तुरंत खाने का तो ही अच्छा लगता है। उसके बाद अभी मैं बना देगी दोपहर के लंच के लिए ड्रमस्टिक का पत्ता भाजी बना रही हूँ। फ्रेंड्स आप लोग को भी मिलेगा तो आप भी, ड्रमस्टिक का भाजी है ना बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स, आप लोग बनाने के लिए कोशिश कीजिए। आटे में मिक्स करके उसका पराठा भी बना सकते हो, मीन्स रोटी भी बना सकते हो आप, भजिया भी बना सकते हो। तेल में तला हुआ हम लोग वेट लॉस में है तो नहीं खा सकते, बट आप लोग ऐसे वेट लॉस जर्नी में नहीं है तो आप उसका ना भजिया भी बना के खा सकते हो। बट मैं कभी भजिया नहीं बनाई हूँ, ओनली मैं भाजी बनाई हूँ, सूखा भाजी बनाती हूँ। और हम लोग का गाँव में ना दाल में डाल के भी बनाते हैं फ्रेंड्स, तो मसाला वगैरह पीस के ना दाल में डाल के भी बनाते तो अच्छा भी रहते। तो आप भी मिलेगा तो आजकल मिलता है फ्रेंड्स, अभी इसका सीज़न है तो अभी मिलता है बाज़ार में, तो मिलेगा तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ओनली मैंने कोकोनट ऑयल ली थी, उसमें राई वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, ओनली हरी मिर्ची, ऑनियन और मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक डाल के बाद में भाजी तो पहले से मैं वॉश करके रखी थी तो वो भी डाल दिया। अभी अच्छे से पकने के बाद ऊपर से नारियल डाल देगी, गिला नारियल थोड़ा सा ऊपर से डाल देगी, तो अच्छा टेस्टी बनते, सिंपल भी है, अच्छा भी है, हेल्थी के लिए भी अच्छा है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी हो गया मेरा काम वगैरह सब, अभी ओनली मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है और पहला ब्रेकफास्ट करेगी उसके बाद चावल चढ़ाएगी। देखिए अभी ब्रेकफास्ट के लिए मैं अभी चीला बना रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ मैं, तो पतला सा बना रही हूँ डोसा जैसा, ऐसा एकदम इसका चीला जैसा ज़्यादा बैटर दिखे जाड़ा नहीं है, पतला है। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया था, उसके बाद क्लास में भी जाके आ गए हम लोग। अभी मेरा पोषण कंट्रोल थाली में है, राइस है, सलाद में ककड़ी है, ऑनियन है, बीटरूट था, मैं आज बीटरूट नहीं ली हूँ, और कल का मैं चिकन बनाई थी वही ग्रेवी था तो वही हम लोग ने दोपहर को यूज़ किया था, इसके लिए कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था मुझे। और मैं ड्रमस्टिक का भाजी बनाई थी, पत्ता भाजी बनाई थी वही था। आफ्टर द फूड सीताफल खाई थी मैंने, अच्छा था, टेस्टी था, मिट्टा भी था, और आजकल सीज़न भी है तो अभी मिल रहे तो खा लेने का। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की थी, उसके बाद देखिए 4:30 बजे में, 4 बजे मैं फिर से पानी पीती हूँ गर्म पानी। उसके बाद 4:30 बजे मैं अभी इधर ब्लैक कॉफ़ी के साथ थोड़ा सा भुना हुआ चना भी खा ली थी। उसके बाद मैं आज एक्सरसाइज की थी, वॉक नहीं गई थी शाम को, नहीं तो आजकल वॉक जाने लगी तो आज नहीं गई थी, आज मैं एक्सरसाइज की थी 1 आवर का। उसके बाद नहा धो के आके मैंने ना ओनली सत्तू पी थी, तो मैं आज डिनर में कुछ नहीं बनाई तो इसके लिए मैं दिखाई नहीं। उसके बाद सुबह मैं उस क्लास पे जाने से पहले ना कलर जाते वो सब कपड़ा ना वॉश करके रखी थी आज से, और सब मैं सूखने के लिए डाल दिया फ्रेंड्स। अभी थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज कर लेगी, उसके बाद वीडियो एडिटिंग वॉइस ओवर ये सब देना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो कैसा लगा बताइए।